hello everyone how are you all i hope you are doing very well and welcome back to my channel guys i'm going to take you the to you the theater for the game to the last story i hope you guys are ready to watch the game of the last रिपोर्टर घर मिल जाती है जो नेहा को देख के उसे रोकती है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देने लगती है नेहा उसे यूँ घूरती है कि यार ये मुझे क्यों दे रही हो आप चीज़ पर आई डोंट नो मुझे बस ऐसे लगा कि शायद आपको कभी मेरी नीड पड़ सकती है नेहा मुस्कुराती है गई थी आई डोंट थिंक सो और जाने लगती है तभी वो लड़की आती है थी? अरे कम टेक इट ना अगर कभी भी मैं नीड हो तो जस्ट वन कॉल एंड आई विल बी देयर नेहा मुस्कुराती हो कहती थी ओके फाइन नेहा कार्ड ले लेती है और इस चीज़ को सीरियसली ना समझते हुए उस गठ को अपने पॉकेट में डाल दे दिया और वैन के अंदर आ जाती है जहाँ बरखा नेहा को देख के तुरंत मुस्कुरा दी और उठ के बस नेहा को हक कर ले दिया नेहा होती छोड़ो मुझे जूस गिर जाएगा तो बरखा हल्का सा पीछे होती है हो लो जूस पियो बरखा होती ऐसे अपने हाथ से जूस पीने में क्या ही मजा आने नहीं थी। तो फिर मैं अपने हाथों से पिला देती हूँ वर्गा ने आके लिप्स के टच कर देती थी मुझे हाथों से नहीं मुझे तो मेरी छान के हाथों से पीना है नहीं मुस्करा देती थी क्या जान कुछ भी टोन ठोन पिन हाँ वर्ग अरे कमोन टोन पेशाए हाँ यहाँ पे हम दोनों के अलावा है ही कौन बोती बेबी प्लीज हम घर में नहीं हैं वर्ग बोलती अरे कमोन ना डोट बी सो बोरिंग हाँ बोरिंग ओके जब आपने मुझे छोड़ छेड़ ही दिया है तो फिर ऐसे ही से ही नहीं बोलिए बलखा के लिप्स को टच करती उसके लिप्स पर अपने फिंगर्स को बांधते हुए अपने फिंगर्स को अपने लिप्स पर हल्का कर दिया है बेचारी वर्खा की सांस ये देखिए तो तेज़ हो जाती है और फिर नेहा अपने फिंगर्स को अपने नेक पे घुमाने लगती है मतलब टोटली से भाई वर्खा को टोटली से किया जा रहा है यहाँ पे और उसके बाद नेहा <coughs> जूस को अपने मुंह में डाल दिए वह और परिखा के बालों में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच के उसके होंठों पे पर अपने हाँ रखे अपने मुंह से जूस उसके मुंह में सांस भर कर दिया हाँ ये कोई तो रोक लो हॉटनेस ही हॉटनेस और इस तरह से नेहा परिखा को चूस पिला दिया जो कि बहुत हॉट था ब्रो यहाँ पर कभी नेहा को किस करती और इसी तरह नेहा बरखा को किस करते हुए पूरा का पूरा गैलाश जो उसका पिला देती है उसके बाद बरखा की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है बरखा होती है भी ना क्यों भूल जाती हूँ क्या मुझसे भी ज़्यादा नोटी हो नया बोलती हाँ बट कोई ना मैं हूँ ना आपको हर बार याद दिलाने के लिए इस पर थोड़ा सा मुस्करा दिया तो थोड़ा टर्न लेती है और अपना मोबाइल उठा दिया तभी नहा परखा के बालों को साइड करते हुए पर्खा के नेक पे अपने फिंगर्स को चलाना स्टार्ट कर देती है परखा की सांसें एकदम तेज हो जाती है परखा फिर भी चो अपना कोई आ जाएगा नेहा बोती अच्छा तो डर लग रहा है हा? बर्खावती तो अगर कोई आ गया तो मैनेज कर लोगे नेहा गा चलो आप कहीं डर भी ख़त्म कर लेते हैं बर्खावती मतलब दो नेहा जाके मैं उनको अंदर से लॉक कर दी गई दी तो अंदर कोई नहीं आएगा ना राइट और इतना बोल के नेहा बरखा की कमर में हाथ डाल के बरखा को अपने तरीब कर लेती है अब बरखा ने यहाँ के बहुत पास थे यहाँ बरखा को देख के स्माइल करती है बरखा के बालों को अपने हाथों से साइड करते हुए बरखा के फोरहेड पर किस करती है फिर बरखा के चिक्स पे अंतर उसके लिप्स पे ये किस बहुत स्मूथ था पर वो कहती है ना कि प्यार में शराफत कहाँ स्मूथ किस कब हार्ड किस में बदल जाती है पता ही नहीं चलता नेहा पागलों की तरह बरखा के होठों को सक रही थी फाइज कर रही थी लेक कर रही थी उफ बरखा तो एकदम खुश हो चुकी थी नेहा में और नेहा बरखा में ये दोनों पहाड़ों की तरह एक दूसरे के होटों को चबा रहे थे काट रहे थे बस एक दूसरे में पूरी तरह से मतहोश हो गए थे कि तभी वैन पे कोई नोक नोक करने लगे था उफ ना नेहा का मन कर रहा था बरखा से दूर जाने का ना ही बरखा का ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे इसीलिए बस एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को चूम रहे थे कि नोक नोक नो, जोर जोर से होने लगता है जिससे नेहा इन्नी डेढ़ों के पीछे होती हुई थी अरे कौन है यार कितने कलर टाइम पे आते हैं लोग फिर नेहा खुद को थोड़ा सेट करती है और के हाथ फिर प्यारी सी किस करती है फिर बड़क लिप्स को सेट करती है उसके पानों को सेट करती हुई थी बेबी मैं थोड़ा खोलती हूँ इतना बोल के नया दरवाज़ा खोल दिया और बाहर बाहर जो है वो कोई और नहीं बल्कि प्रोड्यूसर साहब थे जो कहते मैं कब से वेट था इतना देर लग लगता कि दरवाज़ा खोलने में नबी पर खा जाते हैं क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी जान के साथ कोई ऊँची आवाज़ में बात भी करे बरखा बोलती अब उसे क्यों ढां रहे कुछ बोलना तो मुझे कहिए लोग मैंने किया था क्योंकि मुझे कुछ काम था क्यों यहाँ पे प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है क्या इंसान लुक नहीं कर सकता अपनी खुद की बहन को जिसमें होता है उन्होंने मैम ऐसी कोई बात नहीं है वो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और फिर अंदर आके बात करने लगता है वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो मैम मैम कह के बात कर रहे हो मतलब इससे बड़ी अचीवमेंट आपको और क्या ही चाहिए ये देख के नाम बहुत खुश थी परिखा की सब इतना रिस्पेक्ट किया करते थे कि नहीं बहुत खुश होती थी पर परिखा बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी जितनी उस पर यहाँ पर बरखा की अपनी नेहा की भी हो यहाँ पर को काफ़ी खराब हो चुका था बट अभी बरखा को और शूट पे करना था इसलिए बरखा को शूट पे जाना पड़ता जब वो बरखा अपना शूट दे रही थी तो उसकी नज़र नेहा पे जाती है और वो नेहा को देखने लगती है नेहा दिखने में किसी एक्टर किसी मॉडल से कम तो नहीं थी नेहा बहुत सुंदर थी बहुत हॉट थी जो कि आप सभी जानते हो उसकी हॉटनेस की दीवानी तो हमारी बरखा में थी नेहा सोचती है जब मैं जिसे एक्टिंग का ये भी नहीं आता वो एक्टिंग कर सकती है तो नेहा एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती आई मीन पूरी दुनिया नेहा की दीवानी हो जाएगी नेहा की हॉटनेस के आगे तो भाई लड़के फेल हैं नेहा इतनी हैंसम है कि किसी लड़के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पर क्या ये सब सोच रही थी जिसकी वजह से वो सही से शूट नहीं दे पाती तो कट हो जाता है और फिर से शूट होने लगता है क्या इस दफ़ा शूट पे अच्छे से फोकस करती है ख़त्म होते होते काफ़ी लेट हो गया था तो ये दोनों गाड़ी में बैठ के घर आ रहे थे तभी नेहा के शोल्डर पर सर रखते हुए नेहा के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कह दिया कि चान आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं नेहा बोलती नो वे एक्टिंग एक्टिंग तो ना मुझसे नहीं होगी बरकावती होने पर चाय तो घुमा ना चाह एक्टिंग इतनी भी मुश्किल है प्लीज़ मेरे लिए ने। नेहा नयावती जान प्लीज़ मुझे एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं जिस फिल्म में हूँ बहुत अच्छी हूँ मुझे से एक्टिंग की नहीं होगी बर्खापति अच्छा ठीक है आप मेरी मूव में एक छोटा सा रोल कर लो छोटा सा रिव्यू प्लीज़ जिस पर नया मना करती थी जान प्लीज़ मैंने बोला ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार प्लीज़ मुझे नहीं करना ये सब कुछ बिरखापति क्यों नहीं करना नहीं बोलती अब क्यों चाहती हूँ मैं सब करूँ और क्या बोलती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब आपके रिस्पेक्ट करें आई मीन कभी खुद को देखा है अब तो मुझसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इतनी हॉट हो आई I मीन mean, आपके सामने तो सब फेल है मैं भी अब क्यों नहीं इतना जम चलाती क्यों नहीं इंडस्ट्री में आती नहीं बोती आपको पता है ना मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है हाँ मुझे मॉडलिंग एक्टिंग ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद बिरका बोलती अच्छा मैं करूँ तब तो, तो, तो आपको पसंद आना नेहा जान प्लीज़ तो बुरखा कुछ भी नहीं बोलती वो भी से नेहा की पे सर रखती है और आगे बंद करके मन ही मन में खुद से बात करने लगती है और सोचने लगती है कुछ भी करके मुझे नेहा को मनाना ही होगा बड़का बहुत सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता सोचते है, सोचते है, उसकी बेचारे की आंख लग जाती है तभी घर आ जाता है नेहा जब बड़का को जगाने लगती है तो बड़का तो सो चुकी थी नेहा भी बड़का को अपने बाहों में उठा दिया और उसे रूम में लेके जाती है वहाँ ने यहाँ बर्खा को बैठ पर लेटा दिया ये पलखा की आँख जा को जाए नरे जगह ही आप कोई बात नहीं अभी रात है सो जाइए वैसे बर्खा बोति प्लीज एक्टिंग मुझे नहीं होगा अभी भी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है वैसे भी इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी कर जाए अगर उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो और आसान से आसान काम भी ना कर पाए अगर उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो जैसे कि मुझे और आप क्यों चाहते हो यार मुझे तो आपकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही बड़ी खाती क्योंकि मैं चाहती हूँ सब मेरी जान की रिस्पेक्ट करें जैसे मेरे घर से और मेरी जान तो वैसे हर चीज़ में बहुत अच्छी है राइट ना होती रूंग मक्न नहीं चलने वाले मैं फ्रेश हो के आती हूँ नहीं तो वो ये फ्रेश होने चले जाते हैं और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो भाई एकदम फ्री फटी रह जाती है बरखा पेट के पास एकदम न्यूट गया एकदम निकेट और उसे ऐसे देख के नेहा उसका तो मुँह फटा रह चुका था उसकी आंख एकदम बड़ी बड़ी और वो बस बरखा को देखे जा रही थी दबी तो बरखा नेहा के पास आती है नेहा के हाथ नहीं थी है। उसे अपने लिप्स पे अपने नेक पे अपने चेस्ट पे अपनी डबी पे घुमाने लगती है और जैसे ही वो नेहा के हाथ को ये कोई से नीचे लिए जाने लगती है तभी तो ने अपना हाथ छिड़वा दी पीछे होके कहती है जानिए सब क्या हो करिए डायर ना आपको नींद आ रही थी आई थिंक आपको सो जाना चाहिए बदगावती तो नींद पूरी कर लेना का। काम पे भी कम ऑन डर क्यों रही हो मैंने आपको खाते ले जाना है और कौन सा पहली बार आप इस तरह आ रही हो नहा बोती ऐसी बात तो नहीं है मुझसे बच्चे उठाना बरखा बोती आई कैन मैनेज कॉल और बरखे तब के नेहा तरफ हाथ बढ़ा दिया तो नेहा बड़का के हाथ में हाथ रख दिया बड़का नेहा को लेके बेड पे बैठ जाती है और नेहा बड़का खुद देखी जा रही थी बेचारी नेहा उसकी सांसें देखी तरह की सब बढ़ी हुई थी नेहा खुद पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो कहते हैं ना जब आपकी मन पसंद डिश आपके सामने हो तो आपसे रहा नहीं जाता वैसे ही कुछ सीनता वाली नेहा उसका प्यार उसके सामने वो भी इस हालत में यार प्यार मिट्टी शराबत भी ही अच्छी लगती है नेहा अभी शरीफ नहीं बन पाती अब एकदम बहुत के ऊपर जाती है कुछ उम्र लगती है कभी उसके लफों को तो कभी उसके चीकस को कभी किस करती तो कभी पाइट करती और कभी कभी तो शक नेहा एकदम जोश में आ गई थी और बरखा का होश एकदम सा गया था ये दोनों ये होश हो चुके थे कभी तो नेहा बरखा के ऊपर कभी तो बरखा नेहा के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के इतना खो गए थे कि नहीं ये भी होश नहीं था कि रूम को लोग तो किया ही नहीं ये दोनों बस एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को झूम रहे थे काट रहे थे अपना इंजॉय कर रहे थे कि तभी तभी दरवाजे पे दस्तक होती यानी नोक नोक और भाई ये तो इन दोनों इनकी मौत की घंटी जैसे सुनाई हो रहा था, रहा था नहीं और परिखा को देखते हैं नेहा भी नहीं खेत परखा भी नहीं खेत दरवाजे पे कोई था लोक लगा नहीं था कुछ ही सेकेंड में कोई अंदर आ सकता था इन दोनों के तोते उड़े हुए थे समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या तभी नेहा अपने कपड़े उठा के वॉशरूम में भाग जाती और वो ब्लैंकेट के अंदर अपने कपड़ों को और अपने आप हाँ को छुपा लेती तो है तभी दरवाज़ा खुलता है और नेहा एकदम डरी थी कि कौन आ गया नेहा वॉशरूम के दरवाजे से हल्का सा छाक के देखती है तो एक कोई और नहीं बल्कि छुटकी थी जिसे देखे नेहा और घबरा जा छुटकी ने दोनों को इस तरह इस हालत में साथ देख लिया तो ये दोनों ही चुटकी को क्या तो ये एक्सप्लेन करेंगे तभी चुटकी बेड पे आके बरखा के, के लेट जाती चा है बेचारी बरखा वो ब्लैंकेट के अंदर घुस के पड़ी थी वो वेट कर रही देखिए कब छुटकी जाए पर छुटकी तो वहीं पे सो जाती है छुटकी की घराटों की आवाज़ उनके बड़का को कुछ सुकून मिलता है और नेहा को भी नेहा भी वॉशरूम से बाहर आती है और बरखा को देखती है बरखा जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और फिर नेहा बरखा की तरफ हाथ बढ़ाती है बरखा नेहा के हाथ में हाथ रखती है दोनों दबे पाऊँ बरखा के रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ एक दूसरे को देख के दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे फिर बरखा नेहा को हक करती है दिया आई लव यू सो मच नेहा वो आई लव यू टू चैनल पर नेक्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा सेफ रहना होगा बरखा ओके कि माँ दोनों ही एक दूसरे का हाल थाम के रूम में आ जाते हैं जहाँ ने तुरंत ही रोम लॉक कर दिया लॉक करने के बाद परिखा के पास पैर पर आ जाते हुए थे आम शान जो दूर छोड़ा था क्या उसे कंप्लीट करें तो यहाँ वो सब इतना ही जाते पर हुए परीक्षा ने कॉलर को पकड़ के उस अपनी तरफ खींचती है और उसके होंठों को अपने होंठों में दबाने लगती है उसके होटों को सक करने लगती है ये दोनों एकदम फिर से चाल हो जाते हैं एकदम फिर से मूड में आ जाते हैं और नेहा धीरे धीरे बरखा के ड्रेस को एक बार फिर से रिमूव करने लगती है दोनों को एक दूसरे की बाहों में भूल फूल इंजॉय करने लगते हैं कभी नेहा है बर्खा को किस कहती है कभी बरखा ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और जब खा के एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं जब अगले दिन नेहा की आँख खुलती है नेहा बर्खा को देख के स्माइल करती है उसे किस कहती है कहती है गुड मॉर्निंग बेबी चलो ना चावल लेते हैं बड़का बहुत मुझे अभी सोना है मुझे शावर नहीं लेना नहीं आती भी प्लीज मत करो ना हमें अभी जाना है बड़का बहुत जिद करती है जिस पर नेहा उसे हक करती है और बहुत शाम लेकर जाती है शावर के नीचे जाके खड़ा करते थे बेचारी बड़का सुबह सुबह आधी नींद में वो शावर के नीचे थी जिससे थोड़ा गुस्सा आने लगता है पर नेहा के कु गुस्सा एकदम ही हवा हुआ उड़ा दे दिया अब वर्खा थोड़ा ब्लश कर दिया और नेहा भी के बाद ये दोनों ही शावर के नीचे आ जाते जा हैं जहाँ वर्खा तो पहले भीग चुकी थी पर अब नेहा का बदन भी खेला हो चुका था उसके कपड़े भीग चुके थे नेहा धीरे धीरे अपना शर्ट रिमूव कर दिया हाय वर्खा तो मतभूष हो जाती है सिमरन को देख के एकदम तो उसकी आँखें फटी की फटी नेहा की वो सिक्स पैक है

जिस पर नया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आती है नेहा बरखा को पालों से था कि उसके फोटो कुछ उमती है ये दोनों ऐसे ही बस एक दूसरे को किस करते हैं और शाहर में ही रोमांस करने लगते हैं मतलब सुबह सुबह दोनों स्टार्ट काफ़ी देर शाहर में रोमांस करने के बाद ये दोनों जल्दी से फ्रेश होते हैं फ्रेश होने के बाद नीचे आते हैं जहाँ से हाथ में ब्रेकफास्ट करना था आज बरखा का शेड्यूल काफ़ी बिजी था और नेहा का भी क्योंकि नेहा ने ट्वेंटी फोर आवर बरखा के साथ जो रहना था यहाँ बरखा को एक दो जगह जाना था किसी से मिलने के लिए पर कहाँ जाती है नेहा भी उसके साथ जाती है जिससे बड़क को, को बहुत अच्छा लगता है नेहा के बिना कहीं भी जाना बड़का को, को बिल्कुल पसंद नहीं था और अब तो इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की सब क्लियर हो गई थी तो दोनों साथ साथ है। जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत खुश थे यहाँ नेहा रास्ते में गाड़ी रोकती है क्योंकि उसकी नज़र फ्लाश वो भी चली जाती है वो जल्दी से जाके बरखा के लिए फ्लास लेती है जिसे देख के बरखा बहुत खुश हो जाती है नेहा जब वर्क़ा को फ्लांस देती है तो वर्खा नेहा को किस करती है कहती है थैंक यू सो मच पे भी होती जाना से मत क्या करो गो देख लिया तो बरका बहुत ही डोंट रखे नाम बती बस ही डूबे भी मैं नहीं चाहती आपकी इमेज पे कुछ भी दाग लगे बड़का बार पति हमारा प्यार दाग नहीं है ओके okay. ऐसा कभी मत बोलना महाबती पे बेबी मेरा वो मतलब नहीं था बल्कि पति आई नो बट फिर भी ओके पापा आई एम सॉरी आई लव यू सो मच और इसके बाद यहाँ ड्राइव कर दिया अब बड़का को शूट पे जाना था बड़का शूट पे आ चुकी थी और आज फिर से रोमांटिक शूट होने वाला था जिसके बारे में सोच के ही नेहा काफी उपसर थी यहाँ बड़कों को पता था कि आज के शूट में बड़का को उसके को काफी ज्यादा क्लोज जाना इसीलिए बड़का जान बुझ के नेहा के पास जाती है नेहा को बोल दिया कि जान मुझे समय बहुत ज़्यादा था तो रहा मैं मेडिसिन खरीद बोल गई कि आप घर से मेडिसिन ला दोगी नहीं होती थी। ठीक है जान मैं लेके आती हूँ नहा मेडिसन लेने के लिए घर चली जाती और बरखा वो जाकर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ क्या यह शूट करने से पहले हम रोमांटिक रोमांटिकूट जो लेना था पहले वो ले इस पर डायरेक्टर भी मान जाते जाए पहले वही शूट होने लगता है नेहा जब तक वर्ष से होकर वापस आती बरखा का वो शूट ख़त्म हो चुका था और नेहा इसका मूड काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसने वो सब देखा नहीं था बरखा का मूड भी काफ़ी अच्छा था वो कहते हैं ना जब आपका पार्टनर खुश तो आप खुश यहाँ घर से मेडिसिन के साथ साथ घर का बना हुआ खाना भी लाई थी ये दोनों ही वैन में चले जाते हैं जहाँ बरका नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाती है नेहा के फेस पे आ चाहती है देखिए क्या बात है आज तो मेरी जान मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है जिस पे बरखा बती हाँ क्योंकि मेरी जान इतना मेहनत करती है तो मैं नहीं खिल सकती क्या जिस पर निया बरखा को किस कर दिया और ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हैं वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहना चाहिए जिससे आप और आपका पार्टनर हमेशा साथ में खुश रहे जिसमें आज बरखा ने क्या ज़्यादा बड़ा नहीं बस एक छोटी सी एफर्ट थी जिसकी वजह से अभी इस टाइम ये दोनों ही खुश थे अगर निया बरखा को किसी और के पहा में चीट के टाइम भी देख लेती तो उसका मूड ख़राब हो जाता एंड टाइम इन दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं होती बात होती तो लड़ाई होती है पर बरखा अपनी समझदारी से सब ठीक कर लेती आप लोग भी ऐसे ही कीजिए कीजिएगा इससे लड़ाई कम होगी और बहुत ही लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को जैलज फील कराने के लिए फिर एक चीज़ें करते हैं यानी किसी और के साथ अच्छे से बात करना पार्टनर को जैलज फील करवाना पर वो ये भूलते हैं कि इस चीज़ से उन्हीं के रिश्ते को इफ़ेक्ट होगा आप लोग ऐसा बिल्कुल भी, भी मत करना ओके देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टा रहा बाय बाय ठीक कैरि वहन पर चांस पलट पे ऐसी छोटी सही मनुष्य और क्यूट क्यूट से रिक्वेस्ट है क्या अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइबा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन